लगातार एक के बाद एक काफी अच्छी अच्छी अपडेट आ रही थी बुलेट ट्रेन के ऊपर से, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अब मुंबई की तरफ से, फिर से महाराष्ट्र की तरफ से एक सैड न्यूज निकल कर आ रही है। आपको पता ही होगा कि NHSRCL इस पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रही है, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्हें अब एक काफी मेजर सिविल कॉन्ट्रैक्ट पैकेज MAHSRC2 को कैंसिल करना पड़ रहा है। ये हो रहा है बिकॉज यहाँ पर महाराष्ट्र की तरफ से कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया जा रहा है अभी लैंड एक्विजिशन करने में। यही आप कारण एक पकड़ के चल सकते हो कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट को फ्लोट किया गया था, नो कंस्ट्रक्शन फर्म्स, कोई भी कंस्ट्रक्शन फर्म्स ने यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाई नहीं था, किसी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया इस पैकेज के लिए। आपको बता दें कि NHSRCL ने एक टेंडर फ्लोट किया था फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टनलिंग वर्क्स, जिसमें टेस्टिंग, फिर कमीशनिंग ऑफ डबल लाइन हाई स्पीड रेल, और इसमें काफ़ी अच्छी एडवांस दुनिया की वर्ल्ड्स बेस्ट टेक्नोलॉजी TBM फिर NATM मेथड का यूज़ करके ये बनाने वाले हैं बिटवीन मुंबई अंडरग्राउंड स्टेशन एट बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और शील फाटा। बट हर बार ये लोग एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देते चले गए और अभी फिर से ये डिले होता जा रहा है। आपको बता दें कॉरपोरेशन ने ऑलरेडी इन्हें ऑलमोस्ट 11 एक्सटेंशन पहले से देकर ही रखा है। इनफैक्ट अप्रूवल फॉर हैंडलिंग लैंड इन्हें ये भी रिसीव हुआ था ऑन 2018, बट उसके बाद से यहाँ पर स्टेट ने कोई विलिंगनेस ही नहीं दिखाया टू हैंड ओवर दिस लैंड। लैंड की कॉस्ट को भी लेकर एक प्रॉब्लम हो सकता है, तो गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर इंसिस्ट किया कि जो कॉस्ट ऑफ लैंड है उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट। इस काम को अंजाम देने के लिए यहाँ पर जो सिटी प्लानिंग बॉडी है MMRDA, इन्हें एक पेट्रोल पंप भी शिफ्ट करना था टू एन अल्टरनेटिव स्पॉट। इवन ये काम भी उन्होंने नहीं किया अब तक। इनफैक्ट यहाँ पर तो एक COVID-19 केयर की फैसिलिटी भी है, और इस रीजन के चलते भी अब ये काम शायद थोड़ा और ज्यादा डिले हो सकता है। यही वो रीजन है कि आमतौर पर आपने देखा होगा कि जापानीज भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन को लेकर, क्योंकि उन्हें सबसे पहले एवरीथिंग डन हो मिलना चाहिए, सब जो लैंड एक्विजिशन है पहले 100% एक्विजिशन हो जाए, देन उनमें वो इंटरेस्ट आता है कंस्ट्रक्शन को लेकर। वैसे तो गुजरात में ऑलमोस्ट 100% लैंड एक्विजिशन हो चुका है, महाराष्ट्र में भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ सेक्शन ऐसे है जो थोड़े क्रिटिकल है। होपफुली आने वाले समय में जल्द ही ये सिचुएशन को भी NHSRCL अच्छे से हैंडल कर ले। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है जरूर से कमेंट कीजिएगा।